burning. It's हेलो एवरीवन, दिस इज सुरेश एंड यू आर वाचिंग योर चैनल ऑनलाइन अर्निंग टिप्स। जीतोगे तुम खुद से ये वादा कर लो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा कर लो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा कर लो। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं सुरेश शर्मा आपके अपने ही चैनल ऑनलाइन अर्निंग टिप्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इनको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जीत का ताज उसी का होगा हर बार जो सहता है। आज अभी तू खत्म कर दे अहंकार जो रहता है। बतला दे तू वो नहीं जो पानी के साथ जो बहता है। कर दिखा जो सोच रहा है हर कोई बस कहता है। लड़ने का तू जिगरा रख बस, जीत हार तो एक मौका है। जो लड़ा नहीं वो हार गया, तेरे पास एक मौका है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। आप सभी जो इंतज़ार कर रहे थे अगस्त मंथ के पेआउट का, अगस्त मंथ का पेआउट आ चुका है। उसके स्क्रीनशॉट अभी मैं आपको वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। और ये जो विरोधी लोग हैं जो सोशल एडवर्ड की बुराई करते हैं, उनके मुंह पे ये एक बहुत करारा तमाचा है। कंपनी ने इस महीने 3,49,00,000 का पेआउट रिलीज किया है। 3,49,00,000 का पेआउट रिलीज किया है। वो पेआउट के स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी लेटेस्ट जितने भी विड्रॉल प्रूफ मेरे पास आ रहे हैं तो 20-25-30-50 विड्रॉल प्रूफ मैं आपको दिखाता हूं। तो कंपनी ने दोस्तों इस बार 3,49,00,000 का पेआउट दिया है। जो विरोधी लोग हैं उनके मुंह पे ये तमाचा है, जो हमेशा बकवास करते रहते हैं सोशल एडवर्ड के बारे में, तो ये उनके लिए एक करारा तमाचा है। दोस्तों, बहुत से लोग दूसरे प्रोग्राम करते हैं, दूसरे प्रोग्राम को करना पानी को मथने के बराबर है। पानी को मथने पे मक्खन नहीं निकलता। मक्खन अगर आप दूध को मथेंगे तभी मक्खन निकलता है, और सोशल एडवर्ड दूध है, जितना मथेंगे उतना मक्खन निकलेगा। बाकी कंपनियों का कुछ पता नहीं होता वो पानी है या क्या है या फटा हुआ दूध है। पानी को या फटे हुए दूध को आप मत्ते रहो, कोई मक्खन नहीं निकलता। जैसे एक कुत्ता होता है ना, उसको हड्डी को चबाने में तो बड़ा स्वाद आता है लेकिन उसका पेट नहीं भरता। कुत्ता हड्डी को चबाता रहता है लेकिन उसका पेट नहीं भरता। वो कहते हैं ना, कभी ना बुझ पाएगी तृष्णा, कभी ना बुझ पाएगी तृष्णा, मृग मृच का मिथ्या जल की सागर पिपिल का था सकेगी क्या लघु पाओं के बल से। अर्थात जो हमारे काल्पनिक जल की प्यास होती है वो कभी नहीं बुझ सकती। जैसे ये भी, ये कंपनी भी आ गई, इसको भी कर लो, उसको भी कर लो, उसको भी कर लो, उसको भी कर लो, दुनिया जहान की कंपनियां हम पकड़ के बैठ जाते हैं। तो वही कहते हैं ना, कभी ना बुझ पाएगी तृष्णा मृग मृच का मिथ्या जल की। तो जो हमारी काल्पनिक जल की प्यास होती है वो कभी नहीं बुझ पाती। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक आदमी रेगिस्तान में चमकती हुई रेत को सोचता है वो पानी है, जब वो पानी के पास जाता है, उस रेत के पास जाता है और चमकती हुई रेत को पानी समझता है तो उसको धोखा मिलता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक चींटी कभी न बुझ पाएगी तृष्णा मृग मृच का मिथ्या जल की, मतलब हमारी काल्पनिक जल की प्यास कभी नहीं बुझ पाएगी, सागर पिपिल का था सकेगी क्या लघु पाओं के बल से। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक चींटी, पिपिल का मतलब चींटी, एक चींटी अपने छोटे से पैर से समुंदर को नहीं फलांग सकती, उसी प्रकार से हमारी काल्पनिक जल की प्यास नहीं बुझ सकती। तो जो लोग इधर उधर 8-10 प्रोग्राम करते रहते हैं, भटकते रहते हैं, ये उनकी काल्पनिक जल की प्यास है, ये उनकी प्यास नहीं बुझ पाएगी। और जो सही प्लेटफॉर्म है, जो दूध है जहाँ मथने पे मक्खन निकल रहा है, तो यहाँ पे लगे रहिए, एक तरफ फोकस करिए। और विरोधियों के लिए 3,50,000,000 का पेआउट एक बहुत बड़ा तमाचा है। आइए तमाचा आप लोग उनके मुंह पे मारिए वीडियो के फॉर्म में, और ये विड्रॉल प्रूफ मैं आपको दे रहा हूं। तो आइए देखते हैं विड्रॉल प्रूफ। जय सोशल एडवर्ड, जय हिंद।
Maybach.